वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं राजकुमार राव एंड नुसरत भरूचा स्टार ऑफ फिल्म छलांग के बारे में। राज कपूर ने अक्सर अपनी फिल्मों में एक अंडरडॉग की भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद आया हीरोइक सिनेमा का दौर और कई सालों के बाद जाकर अमोल पालेकर, फारूक शेख जैसे एक्टर्स ने अपनी अपनी फिल्मों में अंडरडॉग टाइप के सिंपल गाइज वाले रोल्स निभाए थे। छोटी सी बात, चश्मे बद्दू जैसी फिल्में आज भी हमें याद है। अब मल्टीप्लेक्स एरा के आने के बाद हमें कई इस तरह की फिल्में देखने मिली जो कि ट्रिब्यूट होती है उन मिडल ऑफ द रोड टाइप ऑफ सिनेमा को। राजकुमार राव एंड नुसरत भरूचा की नई फिल्म छलांग भी एक ऐसी फिल्म लग रही है। तो चलिए जानते हैं क्या छलांग हमें एक और फील गुड फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन वीक क्लोन टाइप की फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने वन लाइनर यूनिक आइडिया के दम पे। छलांग फिल्म की कहानी एक छोटे शहर में बसी सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर उनके पीटी सर मोंटू यानी कि राजकुमार राव अपनी जिंदगी ऐश से जी रहे बिना कोई मकसद के। अब उसी वक्त उस स्कूल में आती है नई कंप्यूटर टीचर नीलिमा यानी कि नुसरत भरूचा, एंड बस मोंटू सर लट्टू हो जाते हैं नीलिमा टीचर पे। लेकिन इससे पहले कि उनकी दाल गलती, वहां पर आ जाते एक नए पीटी सर इंदर सिंह यानी कि मोहम्मद जीशान आयुब। अब सिंह सर पीटी में बेस्ट है और नीलिमा टीचर भी उनकी जान पहचान वाली है, तो बस इसी से मोंटू को परेशानी होती है और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज एज आई सेड फर्स्ट हाफ रिमाइंड्स यू ऑफ अमोल पालेकर की फिल्म छोटी सी बात, बस उसके बाद द मूवी हैज शेड्स फ्रॉम चक दे इंडिया, पाठशाला एंड फ्यू सच फिल्म्स। बस डिफरेंस यही है कि यहां पर मैच राजकुमार राव एंड मोहम्मद जीशान अयूब के बीच में होते हैं। वे राजकुमार राव प्लेज द अंडरडॉग। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है विद इंट्रोडक्शन ऑफ राजकुमार राव कैरेक्टर जो कि लेजीली लाइफ जी रहे, फॉलोड बाय नुसरत भरूचा फायरिंग राजकुमार राव, और उसके बाद राजकुमार राव ट्राइंग टू इम्प्रेस नुसरत एंड फेलिंग लीडिंग टू फर्स्ट डेट, साथ ही मोहम्मद जीशान ट्राइंग टू इम्प्रेस एंड ओवरशाइन राजकुमार वाले सीन्स, प्लस राजकुमार एंड सतीश कौशिक के इमोशनल सीन्स अलॉन्ग विद राजकुमार मैन्युपुलेटिंग हिज टीम फॉलोड बाय ट्रेनिंग ऑफ हिज टीम। ये सभी के सभी सीन्स मजेदार है और एंटरटेनिंग भी, लेकिन इसके बीच बीच में जो लव ट्रैक है वो थोड़ा सा हरिड है, और साथ ही नुसरत चेंज ऑफ हार्ट काफी अनजस्टिफाइड लगता है। सब्जेक्ट भी देखा हुआ ये जाना हुआ टाइप का लगता है, बट स्टिल दो सीन्स कीप्स यू इन्वेस्टेड इन द फिल्म। बट जैसे ही ट्रेनिंग वाला ट्रैक शुरू होता है फिल्म स्लाइड्स डाउन, एज वो सब कुछ काफी इजीली, काफी आसानी से, काफी फेक लगने लगता है। मैचेस में भी वो इंटेंसिटी नजर नहीं आती, हार्ड हिटिंग फैक्टर कहीं पे भी नजर नहीं आता। राजकुमार राव की टीम की परफॉर्मेंस काफी फिल्मी लगती है, यहाँ पर अगर थोड़ी मेहनत करते, थोड़ा रियलिस्टिक रखते तो फिल्म एक बढ़िया फिल्म होती, लेकिन वैसा नहीं होता और आज की ऑडियंस जो है वो काफी मैच्योर्ड हो गई है, दस लास्ट पार्ट उन्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। स्टिल फिल्म की फील एंड लाइट ट्रीटमेंट के बनते फिल्म निकल जाएगी। डायलॉग्स की बात करेंगे तो काफी अच्छे है, विटी भी है और सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, गोज वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो तेरी चूड़िया इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग, सो इज केयर नहीं करता, जो कि फिल्म के एंड क्रेडिट्स में यूज किया गया है। काश अगर बीच में होता तो बैलेंस परफेक्ट हो जाता। छलांग टाइटल ट्रैक ठीक ठाक है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर है हंसल मेहता, जो कि जाने जाते अपने हार्ड हिटिंग फिल्में जैसे कि शाहिद, अलीगढ़, सिटी लाइट, इन सब फिल्मों के बनते, और उनकी लेटेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 हर्षद मेहता वो तो हम सबको पसंद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग हंसल मेहता नजर आते हैं जो कि बहुत ही लाइट हार्टेड टाइप की फिल्म प्रेजेंट करते हैं। डज वन डज एक्सपेक्ट रियलिस्टिक स्टफ और हार्ड हिटिंग स्टफ इन द एंड, जो कि नहीं है, एंड दैट्स द बिगेस्ट लॉस ऑफ द फिल्म। स्टिल हंसल कीप्स इट लाइट एंड एंटरटेनिंग, जिसके बनते फिल्म बोरिंग नहीं होती, ना ही ड्रैगिंग बनती है। हाँ, वो वाव वाला फैक्टर या कि क्लैप वर्दी वाला फैक्टर छूट जाता है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो राजकुमार राव काफी क्यूट है अपने रोल में, ट्राइज टू कैरी द एंटायर फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स, और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। नुसरत भरूचा लुक्स ब्यूटीफुल एंड स्लाइड्स इजीली इन अ गर्ल नेक्स्ट डोर वाले कैरेक्टर में, बस उनके कैरेक्टर को थोड़ा और डिटेलिंग देते तो और भी मजा आ जाता। वहीं मोहम्मद जीशान अयूब लुक शानदार, बट उनका जो कैरेक्टर है वो मुझे काफी कंफ्यूज लगा, तो कभी वो विलन बनते हैं तो कभी सही होते हैं तो कभी कुछ और, कहीं पर भी उनके कैरेक्टर में वो प्रॉपर डिटेलिंग नहीं है। इनके अलावा सौरभ शुक्ला एंड सतीश कौशिक आर वेरी गुड इन देयर पार्ट्स, वहीं इला अरुण इज वेस्टेड। वहीं जतिन शर्मा जो कि राजकुमार राव के दोस्त बने, उनका कैरेक्टर तो अचानक से फिल्म के बीच में गायब ही हो जाता है, वो सेकेंड हाफ में दिखाई नहीं देते। खैर, ओवरऑल बेसिस की बात करेंगे तो छलांग लैक्स द बिग रिक्वायर्ड जंप बट सेटल्स डाउन फॉर अ डीसेंट फ्रेंडली मैच। फिल्म एक टाइम पास फिल्म है जो कि आपको एंटरटेन करेगी, बस उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। बट फॉर राजकुमार राव एंड नुसरत भरूचा के फैंस इट्स अ 3.5 स्टार्स वाली फिल्म।
तो फिल्म देखिए और हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्दी नए फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट, रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।